नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीतम, मेरा चैनल नेचर गुरु में आप सभी को स्वागत करता हूँ। अभी फिलहाल मैं एग्जैक्टली अपना अपार्टमेंट के टेरेस के ऊपर हूँ और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैंने जो ये अपार्टमेंट लिया है, मैंने लिया है होम लोन से। तो होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में सही ढंग से जानना, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त इस तरह से सवाल करते हैं कि मैंने कैसे लिया, किससे होम लोन जांच किया और कौन सा प्रॉपर्टी मेरे को अच्छा लगा, क्यों लिया और कौन सा बैंकर मैंने चूज़ किया और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो जैसे मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, इस तरह का फिनेंस रिलेटेड और बैंकिंग रिलेटेड, तब मुझे लगा कि होम लोन के ऊपर भी एक अच्छा वीडियो होना चाहिए जहाँ पे इसके बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना यूट्यूबर फ्रेंड्स के लिए, मेरा दर्शक जो भाई लोग हैं, बंधु लोग हैं, सबके लिए। तो मैंने इसके लिए ऊपर पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने ये प्रोडक्ट लिया है और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या जरूरी है जो आपको देखना पड़ेगा। स्क्रीन में मैं पहुँच चुका हूँ और मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसका ये पहला ही पेज है। इसमें है होम लोन ऑल डिटेल्स इन फ्यू मिनट्स, मतलब मैं होम लोन के बारे में कुछ ही मिनटों में आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। थोड़ा इसको एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा मैं क्या बताने वाला हूँ। और इसमें आपको मैंने टोटल प्रोसीड्योर जो है वही बताया कि फॉलो द स्टेप्स एंड बी ए सक्सेसफुल बायर, मतलब आप अगर इसी तरह से मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आगे जाके आपको ये खरीदने में सुविधा होगा। शुरू में जो करना है, अगर मैंने होम लोन लेने के लिए सोचा है तो पहले मुझे यही सोचना है कि मुझे लेना क्या है, प्रॉपर्टी मुझे पहले फाइनलाइज करना है। अगर प्रॉपर्टी मेरा फाइनलाइज हो जाएगा तब जाके मैं सोचूंगा कि मुझे कैसे होम लोन लेना है। तो सबसे शुरू में जो है प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन, और उसमें प्रॉपर्टी किस तरह का प्रॉपर्टी होता है, दैट इज रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होता है, इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होता है और ऐसे भी होता है कि आपके पास खुद का जमीन है, आप उसके ऊपर मकान बनाना चाहते हैं। तो ये तीन तरह के ऑप्शन जो है हम लोगों का रहता है। मैं अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का बात करूँ या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का बात करूँ, जो नॉर्मली फ्लैट्स या हम लोग जो अभी प्रोजेक्ट देखते हैं डिफरेंट, जो फ्लैट और आपके अपार्टमेंट्स होते हैं उसी के बारे में बताता है। तो पहली जो है मुझे प्रॉपर्टी पहले देखना है, ढूंढना है, अगर मुझे किसी भी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, जैसे मैं प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लिया उसके बाद उसका जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है मैं डेवलपर से मांगूंगा कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, मुझे देखना है। पहले अपने से देखिए डॉक्यूमेंट्स को, अपने से जानने और समझने का कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको अगर लगता है किसी का सलाह लेना चाहिए तो आप किसी का सलाह लीजिए। इसके बाद आपको अगर पसंद होता है प्रॉपर्टी तो आप डाउन पेमेंट कीजिए या बुकिंग कीजिए। जैसे आप बुकिंग करते हैं तो बुकिंग करने मतलब आपका प्रॉपर्टी तो आपका आप उसमें आपका नाम आ गया, मगर आपका जो डाउन पेमेंट आप इसी टाइम का आपको सोचना पड़ेगा आपको कितना डाउन पेमेंट करना है। नॉर्मली आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट बैंक या जो NBFCs है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप होम लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पे नया प्रॉपर्टी के लिए 80-90% जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है इसका 80-90% का फिनेंस रुपया फिनेंस से कटता है। तो इसका मतलब आपका जो बाकी जो 10-20% पैसा है अपना पॉकेट से आपको लगाना पड़ेगा। तो आप उसी पैसा दीजिए डेवलपर को और उसका रिसीप्ट लीजिए। जैसे आपने इस पैसा पेमेंट किया एज ए डाउन पेमेंट के तौर पे, जैसे आपने इसको पेमेंट किया तब बनता है एग्रीमेंट टू सेल, मतलब डेवलपर के साथ या सेलर के साथ आपका एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो ये एग्रीमेंट आगे जाके बैंकर को आपको सबमिट करना है और इसका वेरिफिकेशन भी होगा। और जैसे आपने जो रिसिप्ट आपने पहले दिया लिया है डेवलपर से, या आपका डेवलपर या सेलर जो आपको रिसिप्ट दिया है और जिस चेक से आप पेमेंट करते हो उस अकाउंट्स का भी डिटेल्स बैंक को आपको आगे जाके सबमिट करना है। तो ये चीज़ को आपको संभाल के रखना है और ये आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद आपको बैंकर सिलेक्ट करना है, क्योंकि बैंकर सिलेक्ट इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो इसमें काफ़ी आपका अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होता है, मतलब कोई भी बैंकर जो होता है बैंक होता है ये प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है। ये एक प्रोजेक्ट को 3-4-5 बैंक भी कभी कभी अप्रूव करता है अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो। इसमें एक सुविधा एक है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये डॉक्यूमेंट्स आपको अलग तरीके से बैंक को जमा नहीं करना होता है क्योंकि ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट्स बैंकर के पास होता है। आपको सिर्फ का अपना KYC डॉक्यूमेंट्स, आपका सैलरी इनकम या बिजनेस का प्रूफ देना पड़ता है, आपका बाकी आपका जो डिटेल से छानबीन होता है और आपको बैंकर को लगता है कि सही है तो आपका लोन सैंक्शन होता है। तो मैं इसके बारे में ही बताने वाला हूँ।
अगर प्रॉपर्टी पहले से ही किसी बैंकर द्वारा अप्रूव्ड है तो आप उस बैंक में जा सकते हैं। तब भी ये बेसिक चीज आपको जानकारी लेना है कि कौन सा बैंक जाने से आपका सुविधा है, कहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा, क्योंकि बैंक टू बैंक 0.05 से 0.20% लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट में अंतर होता है आज का दिन में भी। तो इसीलिए आप जब बड़ा रकम लेने जा रहे हैं, मान लीजिए कि 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया, तो इसमें क्या है, ये 0.10% या 0.20% काफी फर्क रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जानकारी लेना है। प्रोजेक्ट अप्रूवल, जैसे मैंने बताया आपको पहले ही कि बहुत सारा बैंक होता है जो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है। अगर मान लीजिए कि एक ही प्रोजेक्ट में 4-5 बैंक द्वारा वो अप्रूव्ड है, उसमें भी आपको जानकारी लेना है कौन सा बैंक में सुविधा है, किसमें प्रोसेसिंग फी का कोई छूट है कि नहीं, क्योंकि प्रोसेसिंग फी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें काफ़ी सारा नेगोशिएशन भी हो सकता है। आपका जो सैंक्शन लोन होता है उसका 0.50% तक इसका फीस रहता है, कहीं कहीं 1% भी फीस लेता है, मगर ये निगोशिएबल लेते हैं और निगोशिएबल नॉर्मली होता है। उसमें क्या होता है कि आपको आप उसमें वेवियर भी मिल सकते हैं अगर आप सही ढंग से उसको निगोशिएट करते हैं। तो इसके बाद जो आता है, आपने बैंक सिलेक्ट कर ली, अभी होता है होम लोन एप्लीकेशंस। होम लोन पहले आपको इंक्वायरी जनरेट करना पड़ेगा, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, जो बैंक आप सिलेक्ट किया है उसके जो हिसाब है उसके हिसाब से आपको बैंक के पास अप्रोच करना है। जैसे आपने अप्रोच किया है उसके साथ साथ आप इस पे प्रोसेसिंग फी के ऊपर बात कर लीजिए, निगोशिएशन कर लीजिए, अगर वेवियर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा सबमिशन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स जो है उसको सबमिट करना पड़ेगा बैंक को, ये भी इसको भी आपको रेडी करना है बेसिकली, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है। और उसके साथ साथ क्या है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आज का दिन में 2019 का सेप्टेम्बर अक्टूबर से जो नया एक सिस्टम आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, दैट इज रेपो बेस्ड कैलकुलेशन सिस्टम, जो RBI रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट घटाते और बढ़ाते हैं इसके ऊपर बेस करके ये रेपो बेस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन लाया गया है। इसमें जो कस्टमर है उसको सीधा इसका इफेक्ट मिलेगा, अगर RBI रेपो रेट घटाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सीधा घटेगा और सीधा आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। MCLR में ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली क्या होता है इसमें भी घटता है मगर थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो इसीलिए RBI ने बताया कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए रेपो रेट बेस्ड एक होम लोन सिस्टम होना चाहिए, और अभी ज़्यादातर बैंक ये रेपो रेट बेस्ड होम लोन अभी मार्केट में ला रहा है और कस्टमर इसको ही पसंद करे, क्योंकि MCLR से जो करेंट अभी MCLR मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट जो है इससे थोड़ा कम ही होता है। अभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किया बैंक को, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया और उसके किस तरह का वेरिफिकेशन होगा, पहले तो लीगल वेरिफिकेशन होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है बैंक को उसका लीगल वेरिफिकेशन होगा, और उसका आपका जो मैंने थर्ड सी पॉइंट में लिखा है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी वहाँ पे होगा, मतलब आपका सर्चिंग प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है, जो बैंक जो प्रॉपर्टी के लिए आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो सही है कि नहीं, उसका कोई दूसरा कोई क्लेम करता है कि नहीं, किया है कि नहीं, कभी रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं इसके पहले, इस तरह का जो कुछ सवाल होता है जिसका लीगल वेरिफिकेशन होता है। और एक होता है जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है आप बता रहे हैं प्रॉपर्टी का वैल्यू 20 लाख, असल में वो 20 लाख होगा कि नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो एक टेक्निकल वेरिफिकेशन भी इसके साथ जुड़ा रहता है, जो टेक्निकल जो वैल्यूएशन डिपार्टमेंट का आदमी आता है आपका नाप लेता है पूरा फ्लैट का, प्रॉपर्टी का फोटो लेता है, इस तरह का बहुत सारे चीज़ है जो टेक्निकल वेरिफिकेशन में आता है। और इस लेने के बाद लोग वहाँ का जो बेस रेट है वहीं से वो कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पहले ही शुरू में एक चीज़ बताया कि आप जो लोन अप्लाई करेंगे उसमें आप जो फिगर या उसका वैल्यू बताएंगे उसके ऊपर लोन नहीं सैंक्शन होता है, लोन सैंक्शन होता है ये जो टेक्निकल वेरिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बाद जो वैल्यूएशन आता है उस वैल्यूएशन का 80-90% आपको लोन मिलेगा। मैं एग्जांपल के तौर के बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी फ्लैट का वैल्यूएशन आप बता रहे 50 लाख मगर वो वैल्यूएशन होता है 45 लाख, इन दैट केस 80-90% जो भी फंडिंग, अगर मैं 90% भी पकड़ लेता हूँ तो 90% जो फंडिंग होगा वो 45 लाख के ऊपर फंडिंग होगा, ना कि 50 लाख के ऊपर फंडिंग होगा। तो ये एक ऑप्शन, ये एक इशू है जिसको हम लोगों को
जानना चाहिए। नॉर्मली ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम बहुत कम होता है। नॉर्मली डेवलपर लोग उसी हिसाब से रेट को लगाते हैं जो मार्केट के वैल्यू के हिसाब से। और एक ऑन साइट वेरिफिकेशन, आपका फ्लैट किस कितना परसेंट बना है, अगर वो रेडी टू मूव है कि नहीं, आप रहने के लायक इन हैंड ओवर हो गए कि नहीं, ये सब बारे में ये ऑन साइट वेरिफिकेशन एक होता है। और एक होता है फाइनेंशियल वेरिफिकेशन, जो मैंने पहले ही बताया था, आपने आपने डेवलपर को जो चेक इशू किया है बुकिंग के तौर पे या डाउन पेमेंट के तौर पे, तो आपका जिस अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ है और डेवलपर के अकाउंट पे गया, ये सारे छानबीन होता है। इसका स्टेटमेंट आपको, स्टेटमेंट जो होता है अकाउंट का, ये देना सबमिट करना होता है। उसके साथ साथ जो आपको रिसिप्ट दिया गया है, एक रिसिप्ट हो सकता है या मल्टीपल रिसिप्ट भी हो सकता है, अगर आपने डाउन पेमेंट दो तीन हिस्से में बांट के दिया है तो सभी रिसिप्ट को आपको सबमिट करना है बैंक को, जो बैंक इसको वेरीफाई करता है और चेक करता है। इसके बाद आता था KYC वेरिफिकेशंस। KYC वेरिफिकेशंस में क्या आता है, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, एंड ओवर फोन जो थर्ड पार्टी द्वारा ये होता है। इनकम वेरिफिकेशन, आप कहाँ पे काम करते हैं और यह आपका बिजनेस है तो किस तरह का बिजनेस है और कैसे बिजनेस है, ये सब वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, ओवर फोन दोनों ही इसमें होता है। इसके बाद जो आता है, दैट इज क्रेडिट अप्रेजल एंड लोन सैंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि अगर पहले से आपका लोग कुछ क्रेडिट हिस्ट्री है, मतलब आपने कुछ लोन लिया है और आपने डिफॉल्टर है, तो आपका क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर जो है वो नीचे होगा। नॉर्मली होम लोन एक सिक्योर लोन होने के नाते आपका मिनिमम क्रेडिट स्कोर जो है वो 700 से ऊपर ही होना है, 700 एंड मोर देन दैट। अगर उससे नीचे है तो होम लोन आपका अप्रूव नहीं भी हो सकता है। नॉर्मली ये नहीं होता है, 700 प्लस ऑलवेज होम लोन अप्रूव होता है। अगर आपको होम लोन अप्रूव हो जाता है तो इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे आपको होम लोन अप्रूव हो जाएगा तो आपको लोन ऑफर लेटर इशू किया जाएगा, और आपको लोन ऑफर लेटर साइन करके उसको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आपका एग्रीमेंट होगा, लोन एग्रीमेंट साइन होगा बैंकर के तरफ से। इसके बाद जैसे ही लोन एग्रीमेंट साइन होता है तो आपका लोन डिसबर्समेंट के लिए चला जाता है, मतलब आपका डेवलपर का नाम पे या जो सेलर है सेलर के नाम पे एक डिमांड ड्राफ्ट इश्यू होता है, जो पैसा लोन के हिसाब, लोन तो आपका नाम पे जाएगा मगर पैसा आपका सेलर के पास जाएगा। उसके बाद सेल रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड का रजिस्ट्रेशन होगा, और जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है उसी दिन वो डिमांड ड्राफ्ट भी डेवलपर या सेलर को हैंड ओवर किया जाता है। मैंने फिर से एक बार यहाँ पे मेंशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड एग्रीमेंट, हैंड ओवर ऑफ डीड टू डेवलपर और सेलर, एंड फाइनली द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। इसके बाद जो चीज हमको याद रखना है, तो आप मैंने टोटल प्रोसीड्यूर यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपको करना है। अभी मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बना के रखे हैं कि आपको सुविधा होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दो तरह का होता है, एक होता है आपका खुद का जो KYC डॉक्यूमेंट्स होगा, और एक होगा आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज KYC रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स? KYC रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में आपका आता है एप्लीकेंट एंड कोएप्लीकेंट दोनों का, उसमें पैन तो मैंडेटरी है, उसके साथ साथ आधार कार्ड या इस नीचे में किसी, जैसे कि वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड पासपोर्ट, एनी आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई एनी गवर्नमेंट, तो इस तरह का जो कुछ अगर आइडेंटिटी प्रूफ, ये भी बैंक मांग सकता है। ये एक एप्लीकेंट एंड कोएप्लीकेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अभी प्रूफ ऑफ इनकम, अगर एप्लीकेंट एंड कोएप्लीकेंट दोनों इनकम करते हैं तो दोनों के इनकम प्रूफ आपको देना सबमिट करना पड़ेगा। अगर लगता है किसी एक के नाम पे आप लेंगे तो भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए कि एप्लीकेंट इनकम करते हैं तो एप्लीकेंट पे नाम पे लोन होगा, और आपका एप्लीकेंट का ये लास्ट तीन, अगर वो सैलरीड पर्सन है तो लास्ट तीन मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे सैलरी क्रेडिट होता है वहाँ का उसका एम्प्लॉयर से, और ये फॉर्म 16 पार्ट ए एंड बी, एंड उसके साथ साथ ITR इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 साल का। नॉर्मली ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है, ये बैंक टू बैंक वेरी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स नहीं है, मगर आप मान के चलिए ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके साथ जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया एक चीज, वो है कि आपको फोटोग्राफ्स, आपका और एप्लीकेंट का फोटोग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 2 या 3 कॉपी मिनिमम फोटोग्राफ दोनों का वो चाहिए होगा। इसके साथ साथ जो है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपका देना पड़ेगा, उसके साथ आपका IT रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉट अकाउंटमेंट ऑफ योर अकाउंट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, बिजनेस लाइसेंस, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस इस तरह का कुछ आपका पास है तो सबमिट करना पड़ेगा। TDS सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, या आप प्रोफेशनल है, CA है, डॉक्टर है,
तो उसका भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में ये मैंने जो लिस्ट यहाँ पे दिया है, ये लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, ये आपको डेवलपर से मिल जाएगा। पेमेंट रिसीव्ड फॉर और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग ऑल पेमेंट मेड टू बिल्डर, आपने जो पेमेंट किया है डीप डाउन पेमेंट के तौर पे, उसका जो रिसीप्ट आपको मिला है, रिसीप्ट एंड जो अकाउंट से आपका जो अकाउंट से डेबिट हुआ है पैसा, उसका डिटेल्स आपको सबमिट करना पड़ेगा बैंक को, इसका भी वेरिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ आपका कंप्लीट चेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ये नॉर्मली डेवलपर सब लोगों को मिल जाता है। कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट, जो सेल एग्रीमेंट होता है, जो आपने डीपी देने के बाद, डाउन पेमेंट देने के बाद किए थे, वो सबमिट करना होता है, ओरिजिनल, इन ओरिजिनल नॉर्मली। एंड उसके साथ साथ अलॉटमेंट लेटर, आपने किसी लॉटरी के या ऐसे सिस्टम से अगर अलॉट होता है तो स्पेशल अलॉट होता है, इस तरह के केस में आपको अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे जितना आप पेमेंट किया सबका रिसिप्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये कोशिश किया है कि जो होम लोन प्रोसीड्योर है उस किस प्रोसीड्योर से टोटल ये फॉलो होता है और किस तरह से आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। नॉर्मली एक प्रोसीड्योर में अगर सबके डॉक्यूमेंट आपका सही रहता है तो मैक्सिमम 20-30 डेज के अंदर ये होम लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए। आई एम रिपीटेडली टेलिंग, ये बैंक टू बैंक और सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी होता है, इसका कोई फिक्स्ड डेट तो होता नहीं है। किसी का 10 दिन 15 डेज में भी हो सकता है, किसी का 20 डेज भी लग सकता है, किसी का 2 महीना भी लग सकता है, अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या आपका डॉक्यूमेंट्स में या कुछ प्रॉब्लम ये आया तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए, जो फ्लो चार्ट में आपको पता चल जाता है कि कैसे टोटल ये सिस्टम काम करता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो ये होम लोन के लिए एक बेसिक गाइडेंस था जो मैंने देने का कोशिश किया। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे चीज होता है जो होम लोन से जुड़ा रहता है, उसके लेके मैं अलग से वीडियो करूंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए मेरा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरा चैनल नेचर गुरु को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।